नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको मेरे पीछे एक हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है, तो ये कैसे अपने वीडियो में ऐड करते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, काइन मास्टर। आप काइन मास्टर से ही वीडियो एडिट करते होंगे तो आप उसी से एक हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर काइन मास्टर एप्लीकेशन पर। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहां पर प्लस का ऑप्शन मिलता है, तो प्लस के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। फिर यूट्यूब के लिए हम 16:9 इसका प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको वो वीडियो सेलेक्ट करना है जिसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। सो यहाँ से मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया, इसमें मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आइडियो का। सो हम आइडियो पर क्लिक करेंगे और आइडियो पर क्लिक करके यहाँ से आपको नो कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना है जो आपने डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेता हूँ नो कॉपीराइट। तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ चुका है, आप देख सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसकी लेंथ बड़ी है सो इसको यहाँ पर लाएंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रिम एंड स्प्लिट का, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है सेकेंड वाला, तो इसे हम राइट तरफ का कट कर देंगे इस तरीके से, है ना, और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर आपको आवाज़ का ऑप्शन मिलता है साउंड का, तो ये अभी 100 से आप 200 तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो 30 रखा जाता है, करीब 30, या फिर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 30 में आपकी आवाज़ ख़राब नहीं होगी, ये हल्की आवाज़ में चलता रहेगा बैकग्राउंड म्यूजिक। इसके बाद ये ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, इसे लेफ्ट में रख सकते हैं या फिर राइट में, जैसे कि हैंड फ्री होती है उसमें दो हैंड फ्री होती हैं, तो आप लेफ्ट में रख सकते हैं या फिर राइट में, है ना। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो आ चुका है इस तरीके से। अब ये आपकी वीडियो के साथ साथ थोड़ी धीमी आवाज़ में हमने इसकी आवाज़ 30 कर दी है, तो इस तरीके से ये आराम से चलता रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।